हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डे टू इन जर्मनी। 8:05 हो गए हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स टुडे। आज इतना ज़्यादा सनी नहीं है रिलेटिवली जैसे कल था। आज थोड़ा सा फोरकास्ट है, बादल थोड़े से मतलब क्लाउडी सा हो रखा है, हल्का सा रेनी वेदर है। एंड बेसिकली ऐसे ही दिखा रहा था कुछ वेदर कि अगले 10 दिन तक थोड़ी सी यहाँ पर रेन चलती रहती है। एंड दिस इज हाउ आई स्लेप्ट। सारे मतलब 3 लेयर पहन के सोया हुआ एंड मफलर भी डाल लिया था मैंने सुबह उठ के, बिकॉज अभी हीटर नहीं चल रहा है तो सर्दियों में काफ़ी ठंड लग रही है। मतलब अभी जो हीटिंग है इस अपार्टमेंट की उसमें कुछ इशू है, तो 2-3 दिन में वो ठीक होगा। मतलब बहुत कम चल रहा है, अराउंड जितनी होनी चाहिए हीटिंग उसे 20% पे कैपेसिटी पे चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, दिन की स्टार्ट करते हैं एंड आई विल कीप यू अपडेटेड कि क्या क्या आज प्रोडक्टिव हो पाएगा इस दिन के अंदर। ट्रैवल करने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं कल 7 बजे सो गया था, पौने 7 बजे के करीब, और आज उठा हूँ 8:00 कुछ टाइम पे। मतलब बहुत ही लंबी नींद हो गई है, बट बॉडी को इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी दर्द वर्द था अभी भी हो रहा है पर थोड़ा सा कम हो गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं आज के दिन में क्या क्या प्रोडक्टिव हो पाता है। और भी बाहर ठंड कैसी हो रही है एक नज़र तुम आ क्या है। मुझे बाबर है, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बालकनी गेट खोल के बालकनी में आया हूँ, ऐसा लग रहा है फ्रिज का गेट खोल के फ्रिज के अंदर घुसो। मेरे हिसाब से इस समय 2-3 डिग्री होगा टेम्परेचर, बट एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल यार। पूरे हिल स्टेशन वाली वाइब्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि आज के दिन में क्या क्या प्रोडक्टिव हो पता है, क्या क्या काम हो पाएंगे। अभी नंबर 2 करके आया और पिछाड़ा बिल्कुल सुन्न हो गया। बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी जैसे कहीं पहाड़ों पे कैंपिंग करने चले जाओ और एंड खुले में जाके आपको कहीं करना पड़े, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग थी। पर हो गया, काम इम्पोर्टेंट काम है, करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे अच्छी एक चीज़ जो अगर इंडिया से कंपेयर करें जो अच्छी है कि यहाँ पर पानी को ना आपको भरना नहीं पड़ता मोटर वोटर चला के। अगर आपका टैंक खाली होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें मोटर अपने आप चल जाती है और टैंक उसे रिफिल कर देता है, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। तो एक काम कम हो जाता है आपकी लाइफ में मैनेज करने का, कि वो तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे अपने दिल्ली में होता है किसी किसी एरिया में कि भाई हाँ इतने से इतने घंटे में पानी आएगा या इतने से इतने बजे पानी आएगा, या फिर किसी किसी जगह जहाँ पर हर समय पानी होता है या अंडर वाटर टैंक भी होते हैं किसी के पास, तो भी आपको मोटर चला के टैंक भरना होता है, तो वो सारी टेंशन है नहीं। तो एक काम आपका कम हो जाता है, इनफैक्ट 2 काम कम हो जाते हैं आपको। यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं भरना पड़ता बिकॉज नल में हर समय जो पानी आता है टैप वाटर में वो पीने वाला ही आता है, बट मेरे केस में मैं उसको जार में एक्स्ट्रा भरता हूँ और फिर पीता हूँ। वो मेरा अपना पर्सनल चीज़ है, बट मैक्सिमम लोग तो डायरेक्ट टैप से ही पी लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जर्मन में हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं जैसे कि आप जर्मन भी सीख सको। तो ये विंडो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 फेंस्टर एग्जाम्पल द सोफा फॉर दम फेंस्टर है। इसका क्या मतलब हुआ, द सोफा फॉर दी फेंस्टर। ओके, जो भी है, आपको ये दिखा रहा था कि ये वाला एक हीटर चल रहा है और यहाँ खड़े होकर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है यहाँ खड़े होकर बस ये भी देखता हूँ। बट इस समय नहाना धोना शुरू करना है बिकॉज आई हैव अ वेरी लेस टाइम और मेरे को क्लास में पहुँचना है। ऐसा लग नहीं रहा है कि 8:30 होने वाले हैं बिकॉज आज थोड़ा सा ओवरकास्टेड वेदर है, बारिश वाला है। कल 8:30 के करीब बिल्कुल धूप आ गई थी और मेरे ऊपर पूरे मुँह पर धूप लगने लग गई थी, आज थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ के वेदर ऐसे ही है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको डेली ऐप खुल के वेदर चेक करना होता है और हर समय आपको तो अम्ब्रेला कैरी करने की एक आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पे बिकॉज रैंडम बारिश हो जाती है कभी कभार। अभी गड़बड़ हो जाती है, अभी मैं कीज लिए बिना घर के बस निकलने वाला था, लास्ट मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि कीज छूट गए, मैंने ले ली, नहीं तो आज ही दूसरे दिन ही पंगा हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पे अब जब अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं आपको अपना हीटर वगैरह बंद करना होता है, स्पेशली अगर आपको उसका बिल पे करना पड़ेगा तो आपको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसको मिनिमम पे कर देना चाहिए। इवन इफ अगर टेम्परेचर माइनस में चला के है तो उसे 1 पे 2 पे मिनिमम पे सेट कर दें। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर यूज़ नहीं है उसका कोई स्पेसिफिकली तो उसे बंद कर दें, एनर्जी भी सेव होती है। एंड मेरे केस में तो मेरे जो हाउस के ओनर हैं वो कभी भी विजिट भी कर सकते हैं और उनका एक रूम जो है इस अपार्टमेंट में उनका ही है, तो वो कभी भी आ सकते हैं। वैसे भी देख उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूटर्स वगैरह पड़े रहते हैं जो आप इनकी ऐप वगैरह कंपनी की ऐप डाउनलोड करके
आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इनका कुछ पर मिनट के बेसिस पे चार्ज होता है, लाइक एक या दो या पाँच मिनट का कुछ, एक यूरो समथिंग लाइक दैट। तो इफ़ यू नीड फॉर इमरजेंसी, कहीं जल्दी जाना है और आपको वॉक नहीं करनी, स्पेशली आपके पास अगर बड़ा बैक पैक है और आपको स्कूटर वगैरह चलाने का थोड़ा बेसिक आइडिया नहीं तो गिरना नहीं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये घर है, ये प्रोफेसर्स वगैरह के हैं यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते होंगे। बस इसके अलावा और भी जगह हैं, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं आसपास जो कैंपस के हैं, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग तो स्टूडेंट डॉर्म्स हैं, ये वाले भी स्टूडेंट डॉर्म्स ही हैं। पीछे की तरफ जो अपार्टमेंट है वो प्राइवेट हैं, जो पीछे दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स वगैरह के लिए हो सकते हैं। एंड ये सारा कैंपस ही स्टार्ट हो जाता है, पूरी जगह खाली पड़ी है पूरा कैंपस, एक आध स्टूडेंट आपको इधर से उधर जाता हुआ दिखेगा। एंड कल मैं जब मेंसा में पहुँचा था, कैफेटेरिया में पहुँचा था, वहाँ इतनी भीड़ थी, मुझे ये लगा पूरे दिन में तो मुझे इतने लोग दिखे नहीं, और इतनी ज़्यादा भीड़ मेंसा के अंदर। तो ये थोड़ा विंटर इफेक्ट है कि लोग बाहर कम निकलते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या एक आध दिन सुट्टा मारने बाहर आ जाता है, उसके अलावा तो सब कैफेटेरिया में या फिर अपने क्लासेस में। दिस इज़ द विंटर इफेक्ट विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग हेयर बाय द एंड ऑफ नवंबर। अपनी क्लास के लिए लेट हो चुका हूँ आज, बट क्योंकि मेरा सेकेंड डे नहीं है अभी तो चलेगा, हो सकता है आगे एक दो दिन में और मेरे को थोड़ा टाइम लगे एडजस्ट करने में, बट मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से ठीक हो जाएगा सारा रूटीन। आज तो यार बहुत ज़्यादा ही सो गया मैं। हे गाइस, सो फाइनली आज की क्लासेस हो गई हैं पूरी, आज की दो क्लास थी उनमें से एक काफ़ी लंबी थी, एंड आफ्टर दैट वी हैड लाइक अ स्टडी सेशन। अपने जो क्लास के मतलब स्टूडेंट्स थे सारे मिलके साथ में पढ़ रहे थे, मेरी बैंड अभी भी बजी हुई है, अभी भी बहुत थकान है ट्रैवल की, तो मैं बीच में से उठ के आ गया, अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई, बट आई स्टॉप्ड इन बिटवीन क्योंकि उससे ज़्यादा हो नहीं रहा था। अब मैं आपको एक जल्दी से यूनिवर्सिटी का टूर दे देता हूँ, अपनी क्लास से मैं अपने बेसिकली अकोमोडेशन जा रहा हूँ, तो रास्ते में आपको थोड़ा थोड़ा टूर दे देता हूँ। एंड लेट मी शो यू कि कितना नेचुरल है जो ये रॉयटलिंगन यूनिवर्सिटी है, ये बाकी किसी भी टिपिकल यूनिवर्सिटी से काफ़ी अलग है, यहाँ पर बहुत नेचुरल है वाइब्स। एंड ये बिल्डिंग एक नई बनी है टैक्स ओवर सम, इसका जो आर्किटेक्चर है बेसिकली कुछ फाइबर्स एंड ऑल से इंस्पायर्ड है आई गेस। एंड इनका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, काफ़ी पॉपुलर है, तो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट दे हैव डिसाइडेड टू टेक द इंस्पिरेशन ऑफ लाइक टेक्सटाइल एंड फाइबर्स, बिकॉज ये रॉयटलिंगन जो सिटी है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी जहाँ पर टेक्सटाइल का एंड फाइबर का बिजनेस शुरू हुआ था जर्मनी के अंदर, एंड आई थिंक मे बी इन यूरोपियन एरिया ऑल्सो काफ़ी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्सटाइल रीजन है। तो यहाँ से काफ़ी फाइबर्स इन्वेंट होते हैं कि जो कपड़े बनते हैं जैसे स्पोर्ट्स के या अलग अलग तरीके के, इवन गाड़ियों में यूज़ होने वाली जो सीट्स होती हैं कि किस फाइबर और किस कपड़े की बनती हैं, उससे ऊपर भी यहाँ पर R&D एंड रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पर पार्किंग में ऑडी BMW ये भर के हैं यहाँ पे, एंड ऑल्सो टेस्लाज एंड ऑल, इतनी ऑडी BMW मर्सिडीज़ टेस्ला ये बैक टू बैक, इतनी ज़्यादा डेंसिटी में मैंने US में भी नहीं देखी थी। इंडिया में तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। ये साउथ जर्मनी के लोग थोड़े ज़्यादा अमीर भी होते हैं आई गेस। सो अभी मैं वॉक करके उस बिल्डिंग से यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे दूसरा कैंपस की बिल्डिंग है, देन दिस अनदर बिल्डिंग, द बिल्डिंग बैक साइड, एंड वो जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं वो मेरे घर से भी दिखती हैं, जो अभी का मेरा टेम्प्रेरी स्टे है वहाँ से भी दिखती हैं। टेम्प्रेरी स्टे है फिलहाल, हो सकता है मैं वहाँ पर ही फर्दर एक्सटेंड कर पाऊँ अगर मेरे को परमिशन मिल जाएगी तो। बट ये जो कैंपस है काफ़ी उस साइड से लेके काफ़ी उस साइड तक इतना नेचुरल है ना, बीच में यू फील लाइक यू आर वॉकिंग एट सम लाइक हिल स्टेशन और बढ़िया सी जगह पे, और सारी बिल्डिंगों के पीछे आपको माउंटेंस भी दिख जाएंगी, सामने इन पेड़ के पीछे वो माउंटेंस है, जो सदर्न जर्मनी की वाइब है ना, मतलब पूरी हिल स्टेशन वाली वाइब है यहाँ पे, मज़ेदार है। एंड वहाँ पर सनसेट जो चल रहा है उस साइड पे तो कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा फॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एंड जो ये पेड़ हैं आधे से ज़्यादा हो चुके हैं नंगे पंगे, बट अभी भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मतलब जस्ट अगर ये 15 दिन पहले या 20 दिन पहले होता तो इनकी अलग लुक होती, और 2 या 3 महीने पहले ग्रीन होते हैं तो इस एरिया की अलग लुक होती है। अब सर्दियों का टाइम आ जाएगा तो बिल्कुल अभी ऐसे हो जाएंगे कांकड़ी से, एंड जब स्नो आएगी तब ये दोबारा और सुंदर लगेंगे। ये वाली जो बिल्डिंग है
बेसिकली यहाँ से लेके इस एरिया की जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये मेकाट्रॉनिक्स की बिल्डिंग है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ इंजीनियरिंग वगैरह होती है। तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा बैचलर्स कोर्स भी हैं बट मैक्सिमम कोर्स यहाँ पे जर्मन के अंदर हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आना है स्टडी करनी है, एक तो आपको बादन फुर्टम्बर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साउथ जर्मनी में जो बादन फुर्टम्बर्ग स्टेट है इसके अंदर फीस इंट्रोड्यूस हो गई है। जो फीस है इनकी वो थोड़ी नॉमिनल साइड पर ही है, दैट इज़ अबाउट 1500 यूरोस। तो बेसिकली अगर इफ़ यू डोंट माइंड दैट फीस तो ये यूनिवर्सिटी या इस एरिया के अंदर और भी जो यूनिवर्सिटी हैं दे आर वेरी कंसिडरेबल, बिकॉज यहाँ पर जो इकोनॉमिकल बेसिकली बैकग्राउंड है साउथ जर्मनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप यहीं पर पढ़ाई करके यहीं सेटल होना चाहते हैं तो यू विल हैव सर्टेन एडवांटेजेस हेयर। इकोनॉमिकली ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो ये ग्रीन वाला एरिया है जहाँ जहाँ बिल्डिंग के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी कलरिंग दिख रही है आपको, ये सारा लर्निंग सेंटर है इनका। ये लाइब्रेरी है जो मल्टी फ्लोर्स पे है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो लेट मी शो यू क्विकली, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी मेरा लाइब्रेरी कार्ड वगैरह भी बनवाना है। आज पढ़ाई करके मैं थक चुका हूँ ऑलरेडी, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो ये वाली जो बिल्डिंग है जिसपे ब्लू बैनर्स हैं, दिस ऑल्सो हैव सम बैचलर्स रिलेटेड बिजनेस कोर्सेज। तो यहाँ पर बिजनेस कोर्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं और बैचलर्स मास्टर्स सब में होते हैं। एंड हेयर यू कैन सी लाइक रॉयटलिंगर इंटरनेशनल ऑफिस। सो बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑफिस है ये मल्टीपल चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब नए स्टूडेंट्स आते हैं फॉर देम बेसिकली अगर आपको लैंग्वेज करनी है, रजिस्ट्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर देम। एंड दिस राइट हेयर इज़ द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पर इंजीनियरिंग लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन द बैक साइड, बट यहाँ पे दूसरी तरीके के जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं दैट आर डन इन विद इन दिस बिल्डिंग एरिया। एंड अगेन द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ काइंड ऑफ सिमिलर। यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं दे आर नॉट लाइक आर्किटेक्चरली बहुत सुंदर, जर्मनी में इससे भी सुंदर आर्किटेक्चर होता है। सो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ अ बॉक्स्ड वे जो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, बट जो नेचर है यहाँ पे दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ अमेजिंग। बिल्डिंग्स थोड़े प्रैक्टिकली डिज़ाइंड है, नॉट आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुली, बट जो कैंपस की एक नेचर और ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल नेचर है इसके सराउंडिंग में, दैट इज़ अमेजिंग। दिस बिल्डिंग हेयर इज़ बंजर बिल्डिंग। बेसिकली बंजर अभी इसलिए बिकॉज ये पुराना मेंसा था, ये नीचे एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर और काफ़ी बड़ी है पीछे की तरफ। तो ये दिस वाज़ दी ओल्ड मेंसा बट अभी ये रिनोवेशन में चल रहा है इसका काम। तो टेम्परेरीली जो स्पोर्ट्स सेंटर है उसको मेंसा बना दिया गया है एंड दिस इज़ राइट नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड लेट मी शो यू समथिंग अराउंड। एंड हेयर वी हैव आर सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्वाइट क्रिएटिवली इन्होंने क्या करा है, जो कंटेनर्स होते हैं शिपिंग कंटेनर्स उनको ही ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है। तो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इनोवेशन पार्ट कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे इनोवेशन की ज़रूरत होती है, द सेम वे दे हैव बिकम क्वाइट इनोवेटिव विद द वे दे क्रिएटेड देयर ऑफिस विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा इसके अलावा दे ऑल हैव मच मोर स्पेस, पीछे की तरफ दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पर ऑल्सो दे हैव बिगर स्पेस, बट यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा था इस यूनिवर्सिटी के अंदर एंड ये डिपार्टमेंट काफ़ी ग्रो हो चुका है ऑलरेडी। एंड एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, पीछे आपको ये पिलर्स दिख रहे होंगे इस तरीके से जैसे स्टेडियम के, तो पीछे क्या है एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल स्टेडियम है जस्ट इस साइड पे रोड क्रॉस करते एक छोटी सी रोड आती है एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीजनल मैचेस वगैरह भी होते हैं एंड यूनिवर्सिटी के भी इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह, प्लस वहाँ पर कुछ बीच वॉलीबॉल और तरीके के भी कोर्ट्स हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। एंड हेयर वी हैव लाइक अ ब्यूटीफुल ग्लास ब्रिज जो ये बिल्डिंग नंबर 16 and 17 को कनेक्ट करता है एंड कलर्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे इस कॉर्नर वाले ऑफिस को तो बेसिकली जो भी इस ऑफिस में काम कर रहे हैं उन्होंने कितने अच्छे से ऑफिस के अंदर भी प्लांट्स लगा रखे हैं एंड दे आर लाइक पूरे एक फ्लोर के जितने लंबे प्लांट्स हैं एंड कंसेप्ट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मेरे को इससे इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली है कि अपने रूम्स में भी मैं ऐसे करूँ। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग, लाइक दिस गाइज हैव वेरी हाई फोकस ऑन लाइक कीपिंग विद नेचर, बींग पार्ट ऑफ नेचर एंड एन्जॉइंग नेचर। तो इट्स वेरी कॉमन टू सी स्टूडेंट यूजिंग दिस ई स्कूटर्स, यहाँ पर ये अमेजोन पे मिल जाते हैं आपको 300-350 यूरो में मिल जाते हैं स्कूटर, ई स्कूटर वगैरह इससे सस्ते रेट में भी मिल जाते हैं, हर प्राइस रेंज में आता है। एंड देन बेसिकली
आप इसको चार्ज करके अप टू 25-40 किलोमीटर्स चला सकते हैं एंड इट इज़ वेरी चीप टू यूज़। अगर आपको बस वगैरह यूज़ नहीं करनी या फिर अगर आपको थोड़ा ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है या फिर आपको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए तो ये ई स्कूटर जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं एंड यू कैन इवन कैरी दीज टू योर क्लासेज। इसको फोल्ड करके आराम से आप क्लास में ले जा सकते हैं एंड देन यू कैन फोल्ड दीज एंड इवन कैरी दीज थिंग विद इन बसेज ट्रेन्स कहीं पर भी ले जा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो गाइस आई एम बैक टू अपार्टमेंट और अब इस समय बस कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ बनाना पड़ेगा, अपना सैंडविच बनाने का ही प्लान है मेरा फिलहाल, तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने का है मेरा इतना इरादा है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को बनानी आती भी नहीं है। कल की क्लासेस के लिए कुछ यू नो प्री रीड करने हैं, बहुत सारी असाइनमेंट वगैरह मिले हुए हैं उनके बारे में भी ध्यान देना है, तो बस आज का प्लान तो अब यही रहेगा। एंड दिस राइट हियर इज़ द इमोशनल सपोर्ट, चाय के साथ में भुजिया खाई जाएगी तो थोड़ा सा मन को अच्छा लगेगा। एक साथ क्या होता है एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, पढ़ाई तो उतनी चल रही है, कम नहीं हुई है, थकान ज़्यादा हो गई है एंड आपके लिए जो काम है वो एक साथ बढ़ गया है, तो एक साथ यू नो हल्का सा स्ट्रेस लो फील करना है ऐसे वाली फीलिंग से आने लगती है कि भाई यार थक गए यार क्या हो रहा है। थोड़ा सा अंदर से ना एक चांस होता है कि डर आने का यार पहले हफ्ते में यार बहुत सारा मतलब पैनिक मोड में ना आ जाए ना इंसान, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा काम और सुकून बनाए रखने वाली मतलब ज़रूरत पड़ती है, मेरे को तो पड़ रही है इस समय। तो मैं चाय के साथ में भुजिया खाऊंगा तो उससे सुकून और दिल को थोड़ा सा आराम मिलेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ थोड़ा सा ना आपको अपलिफ्ट कर देती हैं। सो चाय के साथ में भुजिया इज़ द दवाई of not feeling you know down, proven by science, not and student life proper start ho gayi hai। mere ko penny market store pe jo sabse sasti sabzi mili thi maine wo utha liya। dekho saste mein bhi matlab healthy lifestyle maintain kari ja sakti hai, ye discount pe chal rahe the aur ye bhi discount pe tha, ye bio bhi hai organic bhi hai, to ye jo normal waise tomato hote hain wo 2 euro kilo ke the aur jo ye bio wale hain ye aadhe kilo hain, बट ये 1 यूरो से भी कम में मिल गया बिकॉज बस डिस्काउंट चलता है, तो ये जितने भी स्टोर्स हैं उनमें कभी कभी डिस्काउंट चलता है। तो अभी फ़िलहाल पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने ये कर दिया है और साथ में मैं खाने वाला हूँ ये पूड़ियाँ जो मम्मी ने मेरे को साथ में पैक करके दे दी थी 10-15 के करीब, तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, तो मैं इसके साथ में पनीर भुर्जी खाने वाला हूँ। दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट लाइफ इज़ गोइंग टू बी। तो अपना बेसिक जुगाड़ू डिनर हो गया है तैयार, तो इससे अपना काम चल जाएगा, लाइट रहेगा, सही रहेगा, बिकॉज लंच जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था वैसे भी मेंसा पे। एंड एक चीज़ ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बजट की बात करने से जो ध्यान में आया कि मैं अपना सारा इस मंथ का एक्सपेंस जो है वो ट्रैक करने वाला हूँ कि मेंसा पे कितना खर्चा होगा मेरा, अपने आप मैं जो मार्केट से जाके खाता पीता हूँ उसका कितना खर्चा होगा एंड ओवरऑल मेरा मंथ का जो खर्चा होगा एंड देन आई विल बी शेयरिंग विद यू कि एग्जैक्ट क्या क्या खर्चा होता है, अप्रॉक्स कितने बजट का आपको एक आइडिया लेना चाहिए। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन चिलैक्स, बेस्ट स्वेटर।